हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल हम लोगों ने देखा था मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर। काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो लोग वो वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, उसके लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। टॉपिक कौन सा है? भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी अर्थात कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा और सारे फैक्ट मैं आप लोगों को बता दूंगा 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। तो शुरू करते हैं। भारत के महान्यायवादी इसे बोलते क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? एसीआई। ठीक है, तो हम लोग इनकी नियुक्ति देखेंगे, इनका कार्य क्या होता है और ये कैसे अपने पद पर बने रहते हैं। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट देखेंगे, सरकार अर्थात गवर्नमेंट। देखिए जब भी सरकार बनती है तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो नेता लोग होते हैं उनके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता जरूरी नहीं है। वो शिक्षित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या कंपलसरी नहीं किया गया है संविधान में। तो क्या होता है कि कभी कभी काफी सारी ऐसी विधियां बनानी पड़ती हैं, ऐसे कानून लाने पड़ते हैं कि उनमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं या कोई अन्य मंत्री होते हैं जो उस विभाग से रिलेटेड होते हैं, पहले ही बताया कि इन लोगों को शैक्षणिक योग्यता जरूरी नहीं है, तो ये लोग उस विधि को समझ नहीं पाते या उस पर सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते। तो उसी के लिए क्या किया जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या किया जाता है? नियुक्ति की जाती है। ये एक तरह से केंद्र सरकार के क्या होते हैं? ये विधिक सलाहकार होते हैं। मतलब विधि संबंधी कोई भी कार्य होगा उस पर ये सलाह देंगे, किसे? केंद्र सरकार को। तो यही सारी चीजें हैं, हम लोग देखेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और जो भी इनकी कार्य और शक्तियां हम लोग देखेंगे। एक वर्ड और समझिए आप लोग, मैं हर वीडियो में बात करता हूं नियुक्ति की, पहले तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। देखिए नियुक्ति का मतलब यह है कि अगर क्या हो रहा है, चुनाव, अगर चुनाव के थ्रू कोई आता है, ठीक, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? निर्वाचन या निर्वाचित, ठीक है। और नियुक्ति वर्ड वहां यूज होता है जिनका क्या होता है? चुनाव नहीं होता या नियुक्त किए जाते हैं। जैसे कि आपके प्रधानमंत्री का चुनाव कभी नहीं होता, प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। आपके क्या होते हैं? जो सीजेआई होते हैं उनकी भी नियुक्ति होती है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की भी। और ये जो भारत के महान्यायवादी होते हैं इनकी भी क्या होती है? नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। तो नियुक्ति वर्ड और निर्वाचन में अंतर आप लोग समझिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे किनके बारे में? अपने महान्यायवादी के बारे में। आइए कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। ये जो होते हैं भारत के प्रथम विधि सलाहकार, भारत के प्रथम विधि सलाहकार या विधि अधिकारी लिख लीजिए, भारत के प्रथम विधि अधिकारी। मतलब यह विधिक कार्य कोई भी होगा कौन करेगा? केंद्र सरकार की तरफ से भारत के महान्यायवादी के द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है सरकार, सरकार मतलब केंद्र सरकार,
केंद्र सरकार के विधिक सलाहकार, मतलब अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, इसका अर्थ ये हुआ कि केंद्र में कोई भी विधि या कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उस पर ये क्या करेंगे, सलाह देंगे, और विधि संबंधित जो कार्य होगा उसके सबसे बड़े अधिकारी केंद्र सरकार के कौन होते हैं, हमारे भारत के महान्यायवादी होते हैं। अब बात करेंगे इनकी नियुक्ति के बारे में। देखिए नियुक्ति वर्ड आया ना, नियुक्ति का मतलब है कि इन्हें क्या किया जाता है, चुना नहीं जाता, चुनाव नहीं होता इनका, इन्हें डायरेक्ट नियुक्त किया जाता है। और इनकी नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अब जब इनकी नियुक्ति भी हो गई, इन्हें हम लोगों ने देख लिया कि ये होते कौन है, तो अब इनका कार्यकाल देखेंगे कि इनका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल कोई निर्धारित इनका कार्यकाल नहीं है कि 5 साल 8 साल 10 साल। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, 2 साल 1 साल 5 साल 7 साल। एक ऑप्शन में होगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। प्रसाद पर्यंत वर्ड आप लोगों को हमेशा मिलेगा, प्रसाद पर्यंत का मतलब यह हुआ कि जिसके प्रसाद पर्यंत, अगर कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो मतलब राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक उन्हें उस पद पर रख सकते हैं, जब चाहें हटा सकते हैं। और प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत किसी में है तो उसमें प्रधानमंत्री के इच्छा अनुसार। तो इनका कार्यकाल जो है वो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब प्रसाद पर्यंत का अर्थ यह हुआ कि इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार यह अपने पद पर बने रहेंगे। नियुक्ति हो गई, अगर इन्हें कभी ऐसा हुआ कि त्याग पत्र देना पड़ा, ये पद पर है, ये तो अपना अधिकार होता है कि मैं त्याग पत्र दे सकता हूँ। आप अपने ऊपर लीजिए कि अगर आप महान्यायवादी नियुक्त किए गए हैं, आप अपने पद से संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। तो यह अपना त्याग पत्र देंगे तो वह किसे देंगे, जितने पॉइंट लिख रहा हूं इनमें से आप लोगों को कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेगा। ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, किसे, राष्ट्रपति को देते हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इनकी योग्यता क्या हो, इसे साफ कर देते हैं हम लोग, नोट डाउन कर लीजिए, फिर योग्यता के बारे में देखते हैं। देखिए क्या होता है कि इनके नाम से आप लोगों को पता लग रहा है, इनके बारे में मैंने बताया, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि महान्यायवादी के पद पर जो व्यक्ति होगा वह कोई आम नागरिक या कोई आम वकील नहीं हो सकता। इसके लिए क्या होता है कि विधिक वेत्ता होना चाहिए उसे, और विधि वेत्ता भारत में सबसे बड़ा कौन माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, कौन, CJI, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनकी योग्यता के बारे में यह फैक्ट दिया गया है कि ये क्या होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखते हो, कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता होती है, अगर वह योग्यता किसी व्यक्ति में है तो उसे महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। आइए पॉइंट से देखते हैं इनकी योग्यता। योग्यता के तहत हम लोगों ने देखा कि ये सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। अब बात आई कि आपने ये तो बता दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता इन्हें रखनी चाहिए, तो अभी हम लोग ये भी नहीं पढ़े हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी हम लोगों ने कोई चैप्टर पढ़ा नहीं है, ये चैप्टर आप लोगों को आगे मिलेगा। तो हम आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी योग्यता क्या होती है, कैसे हम लोग समझेंगे कि यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हो गए हैं। इसके लिए दो फैक्ट हैं, देखिए
सब पॉइंट करके लिखेंगे, सब पॉइंट का सिंबल ऐसे बनाया करिए, एक और दो। सबसे पहला क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर किसी को बनना है तो वो भी आम नागरिक नहीं हो सकता, साधारण वकील नहीं हो सकता, वह क्या हो सकता है कि कम से कम मिनिमम या तो 10 वर्ष 10 ईयर तक क्या होगा किसी हाई कोर्ट का, किसी उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो। ठीक, देखिए ये योग्यता किसकी बात हो रही है, ये आप लोग अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे जो किसके बारे में आएगा, सर्वोच्च न्यायालय के। यह योग्यता बात हो रही है किसकी, भारत के महान्यायवादी की, और सेम यह योग्यता किसकी होती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। ये यहां बताना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योग्यता में सबसे पहला पॉइंट यही है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता इन्हें रखनी चाहिए। तो उनकी पहली योग्यता क्या है कि वह कम से कम 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट में क्या हो, न्यायाधीश के पद पर कार्य किए हों, या फिर कम से कम 10 वर्ष 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता रहे हों, अधिवक्ता अर्थात वकील में अधिवक्ता 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में क्या हो, न्यायाधीश रहे हो, या 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहे हो। इसमें बात आती है यार एक पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता कम से कम ये 5 वर्ष होगा, क्योंकि एडवोकेट बनना, सॉरी माफ करिएगा, कि एडवोकेट अगर ये है तो इन्हें कम से कम 10 वर्ष तक वहां पर वकालत करनी पड़ेगी, अगर ये वहां के जज है तो कम से कम 5 वर्ष तक वहां जज के पद पर यह कार्य किया हो, जिसे हम लोग न्यायाधीश बोलते हैं। तो इनकी क्या हो गई योग्यता, अब बात करेंगे हम लोग इनकी शक्तियों के बारे में। आइए देखते हैं, चीजें इजी हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, उसे भी आप लोग नोट डाउन करके नोट्स तैयार करिए, चीजें बहुत काम आने वाली है आप लोगों के, एग्जाम हॉल में जाएंगे और ये शार्प नोट्स बना रहेगा अगर आप लोग इसे देख के जाएंगे, और या तो बुक देख के जाएंगे तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता चल जाएगा। आइए बात करते हैं किसकी, शक्तियों की, किसकी, महान्यायवादी की शक्तियां। ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, सदन कितने हैं हमारे, द्विसदनीय प्रणाली है, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में इनकी सदस्यता नहीं होती। फैक्ट एक एक करके लिखेंगे, एक दूसरे से जोड़ के समझेंगे, चीजें याद भी नहीं करनी पड़ेंगी, वीडियो के साथ ही याद हो जाएंगी। देखिए ये क्या होते हैं कि किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, कौन, हमारे महान्यायवादी किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन जैसे मंत्रिपरिषद में हम लोगों ने मंत्रियों को देखा था कि वह किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते, सेम प्रोसेस इनके साथ है कि दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा में भाग लेने का अधिकार, मतलब कोई भी कार्यवाही हो रही है भाग लेने का अधिकार, मतलब ये सिंबल लगाता हूं जिससे आप लोगों को पता चले कि ये भाग ले सकते हैं, कोई भी कार्यवाही हो रही उसमें यह भाग लेने की क्या रखते हैं, अपना अधिकार रखते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते, किसी भी सदन में ये मतदान नहीं कर सकते। ठीक, किसी भी सदन में मतदान की इन्हें क्या है, योग्यता नहीं दी गई है, मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है, कैसे समझते हैं, देखिए लोकसभा और राज्यसभा में अगर किसी भी फैक्ट पर या किसी भी विधि पर या किसी की नियुक्ति पर क्या होता है, सॉरी चुनाव होता है,
उसमें मतदान की बात आती है तो मतदान कौन कर सकता है? केवल वही मेंबर कर सकते हैं जो उसके क्या हैं, सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं सिर्फ वही मतदान कर सकते हैं और इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। मतलब भाग ले सकते हैं लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनकी जो और शक्तियां हैं इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी न्यायालय में क्या होता है कि कोई भी कानून आया, आप लोग वैकेंसियों को ले लीजिए, जितनी वैकेंसियां आती हैं 70% क्या होती हैं, कोर्ट में जाती हैं, कोर्ट में जाती हैं। तो उस पर आप लोग क्या करते हैं, हम आप याचिका दायर करते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ कि आपने यह गलत किया है इस एग्जामिनेशन में। तो हम लोगों ने तो याचिका दायर कर दी, ठीक। याचिका कौन दायर किया? आम नागरिक। किसके विरुद्ध में? गवर्नमेंट के विरुद्ध में। तो हम लोगों ने क्या किया, एक अधिवक्ता रख लिया अपने तरफ से। लेकिन गवर्नमेंट जब क्या करेगी, गवर्नमेंट में जब मुकदमा चलेगा तो तारीखें वगैरह आएगी तो गवर्नमेंट के तरफ से भी एक वकील नियुक्त किया जाता है, अधिवक्ता। वो कौन होता है? यही महान्यायवादी होते हैं जो देखते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, या तो कोई भी एडवोकेट कार्य करेगा गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इनके अंडर में करेगा, इनके आदेशानुसार कार्य करेगा। तो फैक्ट क्या निकल के आता है, किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में क्या करेंगे, सरकार की तरफ से बात कर सकते हैं, ठीक, या सरकार की तरफ से यहां भाग लेते हैं। अब बात आती है कि जैसे आप लोगों ने राष्ट्रपति को देखा था, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के हटाया जा सकता था, इन पर महाभियोग नहीं चलेगा। महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगेगी। मतलब अगर इन्हें पद से हटाया जाना है तो केवल राष्ट्रपति ही पद से हटा सकते हैं, और प्रधानमंत्री सिफारिश कर दें तो भी इन्हें हटाया जा सकता है पद से। तो महाभियोग इन पर नहीं लगता। फैक्ट आता है, क्वेश्चन बनता है कि भारत के महान्यायवादी के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है या नहीं, तो आप क्या टिक करेंगे, नहीं, इन पर महाभियोग नहीं चलता। अब दो पॉइंट है, देख लेंगे हम लोग कौन कौन से। चैप्टर बहुत छोटा है, देखिए ये फैक्ट आप लोगों को जानना जरूरी है। वर्तमान में आप लोगों के महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल, और ये कौन से नंबर सॉरी कौन से नंबर के हैं, ये 15वें नंबर के। और जो सबसे पहले थे आपके, जो सबसे पहले थे वो आपके कौन थे, एमसी गायकवाड़। तो इसे, इस फैक्ट को लिखना जरूरी है, या तो आप लोग एक काम करिए कि नोट करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन में पहला फैक्ट क्या है, भारत के पहले महान्यायवादी, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, एमसी गायकवाड़, ठीक। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में मतलब 15वें। ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से छोटे एग्जाम में कि वर्तमान में जो हमारे महान्यायवादी हैं वो कौन से नंबर के हैं, तो 15वें। वर्तमान में 15वें नंबर के जो हैं वो कौन से हैं, के वेणु गोपाल, ठीक। तो ये सारे फैक्ट थे कहां से, भारत के महान्यायवादी से। वीडियो पहले तो एक बार में भी आप लोगों को याद हो गया होगा, अगर आप लोग साथ में नोट्स बना रहे हो तो एक दो बार वो नोट्स रिवीजन कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव हो, दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, बाय बाय।